बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसेस मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी और टेस्टी से जो है ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा डिलीशियस सा जो है वो ब्रेकफास्ट कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे, तो उसमें 3 अंडे तोड़ लेंगे। अब डालेंगे काली मिर्च कुटी, नमक, इनको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ हमारे पास है जी ये हरा प्याज है, इसका वाइट वाला पार्ट, और ये ग्रीन लीव्स, हरी मिर्चें और टमाटर जिनको हमने ऑमलेट कट कर लिया है। सारी चीज़ें जो है वो अंडे में डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ चूल्हे पर हम एक पैन ले लेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, अच्छी तरह उसको फैला लेंगे। और अब जो हमने आलू का जो है वो हमने बैटर तैयार किया है वो डाल देंगे, इसमें अच्छी तरह फैला के डालना है। हीट जो है वो हमने मीडियम टू स्लो रखनी है। तो थोड़ी देर के बाद जब ये नीचे से पक जाएगा तो हम इसकी चम्मच लाकर इसको स्क्रैम्बल कर लेंगे। ये अच्छी तरह जो है वो हमारा ऑमलेट स्क्रैम्बल हो गया है। दोबारा से इसे बाउल में डालेंगे और अब इसमें डालेंगे केचप और मायोनेज। बहुत ही यमी सा ये बनेगा। तो अच्छी तरह इसको जो है वो ऑमलेट के साथ मिक्स करेंगे। और अब यहाँ पे हमने 2 ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं, एक पे डालेंगे मायोनीज और दूसरे पे डालेंगे केचप। अच्छी तरह जो है वो एक पे मायोनीज को जो है वो फैला के लगा लेंगे और दूसरे पे केचप लगाएंगे। और अब हमने जो ऑमलेट का जो है वो मिक्सर तैयार किया हुआ है वो लगा लेंगे एक पे, अच्छी तरह फैला कर और दबा के लगाना है। तो यह हमारे पास जो है चीज़ स्लाइस है वो इसके ऊपर लगा देंगे और ऊपर से केचप वाला दूसरा टोस्ट जो है वो लगा देंगे। तो अब ब्रेड के ऊपर हम थोड़ा सा जो है कुकिंग ऑयल लगा रहे हैं, अगर आपके पास बटर है तो वो लगाएं। और यहाँ पे दोनों साइड से ब्रेड को जो है टोस्ट कर लेंगे इतनी देर ताकि अच्छी तरह टोस्ट हो जाए और चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। सेंटर से कट करें और ये देखें जी माशाल्लाह कितने प्यारे, देखने में बहुत कलरफुल, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और इंशाल्लाह जो है वो खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार होंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। अपना बहुत